हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं इडली और डोसा का बैटर बनाना सिखाऊंगी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। चावल 3 कटोरी, 1 कटोरी उड़द की दाल, थोड़ी सी मेथी के दाने। इसमें हम चावल डाल देंगे, इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरे बाउल में दाल डाल देंगे और मेथी, चावल और दाल को 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रखेंगे। 12 घंटे हो गया है। देखिए, मैंने चावल को और दाल को पानी से निकाल लिया है, ऐसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी से हम पीस लेंगे। ब्लेंडर जार में हम चावल डालेंगे। चावल को हम 2 भाग में पीस लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे हम स्मूथ पीस लेंगे। देखिए, मैंने स्मूथ पीस लिया है। अभी से हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी तरह सभी चावल को हम पीस लेंगे। अब हम दाल को भी पीस लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे भी स्मूथ पीस लेंगे। दाल को भी मैंने स्मूथ पीस लिया है। अभी से हम चावल के बैटर में डाल देंगे। चावल और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। देखिए, मैंने 10 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लिया है। अभी से हम फूलने के लिए 10 से 12 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रख देंगे। ये 12 घंटे हो गया है, बैटर कितना अच्छे से फूल गया है। इडली और डोसा का बैटर रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।